नागपंचमी का भारत में विशेष महत्व है। बारिश में शहर के अलावा गांव में नाग सांप मिल रहे हैं। यहां सांप को आस्था से जोड़ा जाता है। सावन मास के पंचमी को नाग देवता की पूजा की जाती है। मान्यता है नाग का जल और दूध से अभिषेक करने पर भगवान शिव भक्तों पर जल्द प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है जीवन में सुख समृद्धि और खेतों में फसलों की सुरक्षा के लिए नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है। नागपंचमी पर नाग देवता के साथ भोलेनाथ की पूजा व रुद्राभिषेक से कल्प सर्प दोष खत्म हो जाता है। सर, सर्वप्रथम तो आज नागपंचमी के अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारे शुभकामनाएं। सर, जैसा कि नागपंचमी का पर्व है और इसको पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म के भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी हैं, उनके पे गले पे विराजमान रहते हैं और जिनकी वजह से उनकी पूजा अर्चना की जाती है और बहुत सारे मान्यताएं हैं, आस्था हैं, और इस आस्था के तौर पे हर क्षेत्र पे, हर जगह पे इनकी पूजा की जाती है और लगातार क्षेत्रों पे इनकी पूजा अर्चना करके लोग पुण्य के भागीदार बनते हैं। साथ ही साथ हमारी जो टीम है ये काफ़ी वर्षों से रेस्क्यू करते आ रही है, जो शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार हम सक्रिय होकर लोगों के पास पहुँच के उनके घरों पर जो परेशानियाँ आती हैं सांपों को लेकर, स्नैक बाइट को लेकर जो परेशानी है, तो उस पर हम लगातार उनकी मदद कर रहे हैं और काफी सारे क्षेत्रों में पहुंच के हम उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल पे छोड़ते हैं। सांपों का रेस्क्यू करने वाले सांप मित्र की माने तो उन्हें रोजाना 50 से 60 लोगों के फोन आते हैं। सांप मित्रों ने लोगों से आह्वान किया कि अगर कहीं भी सांप दिखे तो रेस्क्यू करने सर्प मित्रों को जरूर सूचित करें, इससे सांप और मानव दोनों की जान बचाई जा सकती है। सर देखिए, अभी तो इस वर्ष की अगर अपन बात करें तो बारिश में एक दिन पे ही हमारे करीबन 50 से 60 रेस्क्यू कॉल्स आ रहे हैं और उस अंदाजा से अगर आप सोच सकते हैं तो कितने रेस्क्यू कॉल होंगे। और अभी करंट पे अभी कुछ महीने में ही करीबन हम लोगों ने जो जनवरी से अगर अपन आंकड़ा लें और उसके हिसाब से करीबन 2500 से 3000 हमने रेस्क्यू कर चुका है और इन सुरक्षित रेस्क्यू करने के उपरांत हम इनको सुरक्षित जंगलों पर इनको रिलीज करते हैं।